हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज की तरह ताज़ा टेक की खबरें मैं आपके लिए ले आया हूं और मंडे को तो बहुत ही बढ़िया टेक की खबरें होती है, तो ऐसे में बिल्कुल भी मिस मत करना इस वीडियो को, एंड तक देखना क्योंकि कुछ बढ़िया खबरें तो मिलने वाली है, कुछ मैं इन्फॉर्मेशन ऐसी देने वाला हूं जो कि शायद आपको ना पता हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहली टेक की खबर के बारे में, और ये आ रही है रियलमी नार्जो 30 के बारे में। रियलमी नार्जो 30 की लॉन्च डेट डिसाइड हो गई है, 18 मई को ये फोन इंडिया में लॉन्च हो रहा है। लेकिन कमाल की बात ये है कि लॉन्च से पहले ही इसकी लाइव इमेजेस जिसमें इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो सब कुछ आ गया है कि क्या कुछ होने वाला है बॉक्स के अंदर, सब कुछ आपको यहां पे दिख रहा है। तो ऐसे में काफी कुछ लीक हो गया है Realme Narzo 30 का, या फिर कह सकते हैं कि ब्रांड ने लीक करवा दिया है। तो इस फोन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस होने वाली है, MediaTek Helio G95 वाला प्रोसेसर होगा, तो यानी कि Realme Narzo 30 वर्सेस होगा Redmi Note 10s, जो कि अगेन दोनों आपस में कंपीट करेंगे। दोस्तों, अगली खबर आ रही है Xiaomi की तरफ से, बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। Xiaomi ने एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर पेटेंट लिया है। अब ये नई टेक्नोलॉजी है कैमरा के अराउंड। आपने देखे होंगे कि अभी तक हमें स्मार्टफोन के अंदर इस तरह के कैमरा मिले हैं जिसमें फ्लिप कैमरा होता है, यानी कि रियर कैमरा फ्रंट कैमरा बन जाता है, और कुछ इन डिस्प्ले कैमरा वाले फोन भी देखे हमने, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन आ चुके हैं चाइनीज कंपनीज की तरफ से। लेकिन Xiaomi कुछ और ही अलग कर रहा है। इस फोन के अंदर एक ऐसा कैमरा है जो कि फ्लिप होता है, लेकिन फोन के अंदर, यानी कि जब आपको कैमरा चाहिए तो वो कैमरा वाली पोजीशन पे कैमरा आ जाता है, और जब वो कैमरा नहीं चाहिए तो वो एक डिस्प्ले बन जाता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी के ऊपर Xiaomi काम कर रहा है, फ्यूचर में हमें इनके फोन्स में देखने को मिलेगी ये टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं दोस्तों आज की एक्साइटिंग खबर, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग खबर है पोको F3 GT। तो पोको F3 GT जो है आने वाला है, ऐसा यहां पे गैजेट डेटा ने प्रॉमिस कर दिया है, कंफर्म कर दिया एक तरह से। उन्होंने बोला है कि ये इसका फलाना मॉडल नंबर है, इट विल लॉन्च इन इंडिया एज पोको F3 GT, और ये आएगा MediaTek Dimensity 1200 चिपसेट के साथ। 6.67 इंच का इसमें FHD डिस्प्ले मिलेगा, जो कि AMOLED डिस्प्ले होगा 120 हर्ट्ज वाला। 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो या डेप्थ, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। डुअल पंच होल कैमरा सेटअप के साथ पोको F3 GT इज वेरी कमिंग वेरी सून बेसिकली। अब सोचो इस फोन के नाम में GT क्यों लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे पोको हो, रियलमी हो, रेडमी हो, ये सब लोग आपस में कम्पीट करते हैं और जो नाम पसंद आता है वो कहीं ना कहीं अपने फ़ोन में डाल देते हैं, चाहे वो उनके कंपिटीटर से लिया गया हो। ऐसा रियलमी भी करती है, ऐसा रेडमी भी करती है, और अब तो पोको भी कर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर, जो कि WhatsApp की यूजर्स के बारे में, और ये थोड़ी बुरी खबर है क्योंकि WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी है तो 15 मई के बाद आपका WhatsApp तो चलता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे WhatsApp उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस लेके आएगा, यानी कि आप चैट नहीं कर पाएंगे, ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ें नहीं कर पाएंगे जो कि आपको चैट से रिलेटेड है, यानी कि WhatsApp के फीचर्स धीरे धीरे आपके लिए कम हो जाएंगे। यानी कि WhatsApp लिटरली फोर्स कर रहा है हमें कि भाई नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करो और अपना डेटा जो है Facebook के साथ शेयर करो। मैं तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, चाहे मुझे व्हाट्सएप को कम यूज़ करना हो या फिर मुझे सिग्नल मैसेंजर पे जाना हो, आप क्या करोगे? क्योंकि ये जो रूल है ना, इस तरह से ये कंपनी अप्लाई कर रही है, कहीं ना कहीं हमारे इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए। कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि एक बहुत ही स्ट्रांग डेटा प्रोटेक्शन लॉ आने वाला है इंडिया में, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं है हमारे इंडियन गवर्नमेंट, और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं सोते रहते हैं इस तरह के इशूज़ में, जिसमें इंडिया के लोगों का डेटा ये कंपनी यूज करती हैं, बेचती हैं, पैसा बनाती हैं, सिर्फ ये कह के कि हमने आपको एक फ्री एप्लीकेशन दी है, और खूब पैसा बनाती हैं और कोई कुछ नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया, आप जाके पढ़ सकते हैं कि क्या होगा आपके साथ अगर WhatsApp पे आपने टर्म्स को एग्री नहीं किया, और मेरे हिसाब से आपको एग्री नहीं करना चाहिए, इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा समय के साथ। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये है इंडिया रिपोर्टेडली स्टॉल्स चाइना मेड लॉन्चेस इन पुश फॉर लोकल प्रोडक्शन। तो ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना मेड डिवाइसेस जो हैं यहाँ पे लॉन्च ना हो, इसके लिए लोकल प्रोडक्शन को पुश किया जा रहा है और कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अब अगेन ये खबर तो एक अंग्रेजी पब्लिकेशन ने दी है, एंगेजेट ने। एक्चुअली में यहाँ पे चाइनीज खूब सारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो अच्छी बात यह है कि वो जो भी प्रोडक्ट बना के बेचें चाइनीज कंपनीज, वो इंडिया में ही बने, और हमें भी ऐसे प्रोडक्ट के लिए ही जाना चाहिए, हमें उन प्रोडक्ट्स के लिए कम जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए जो कि इम्पोर्ट होके आ रहे हैं। तो ऐसे में सोच समझ के परचेज करो, और ये ज़रूर जान लो कि जो आपने फ़ोन खरीदा है क्या वो इंडिया में बना है, ये ज़रूर देखना बक्से पे अगली बार जब आप फ़ोन खरीदते हो।
चलिए बात करते हैं अगली खबर, और ये है नोकिया की तरफ से आने वाली खबर। नोकिया का एक फीचर फोन लॉन्च हो रहा है। अब ऐसे समय में जबकि स्मार्टफोन का इतना ज्यादा चलन है, सब लोग स्मार्टफोन ले रहे हैं, अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो कि फीचर फोन लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि फीचर फोन की बैटरी ज्यादा चलती है, और एक इंपॉर्टेंट काम जो कि फोन को करना होता है, जो कि आज के समय में पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, वो है उसका कॉलिंग। अगर कॉलिंग की बात करें तो फीचर फोन की जितनी बैटरी होती है उतनी बैटरी स्मार्टफोन कभी दे नहीं पाता, क्योंकि उसका बड़ा सा डिस्प्ले होता है और बैटरी बड़ी होने के बावजूद कॉलिंग के लिए उसको बहुत लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते, जबकि फीचर फोन की बैटरी ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स होती है कंपेयर टू अ स्मार्टफोन। तो जिनको कॉलिंग चाहिए वो ऐसे फीचर फोन के लिए जाते हैं, और ऐसे में डिमांड होती है, इसीलिए कंपनी लॉन्च भी करती है। दोस्तों बात करते हैं टेक ऑफ द डे की। टेक ऑफ द डे में क्या आपको पता है कि ऐसा फोन भी आता है जो कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं या फिर कुछ बोल नहीं सकते हैं उनके लिए होता है, और ये फोन बहुत अलग तरह का होता है। इस पे जो ब्रेल लैंग्वेज होती है जो कि इन लोगों के लिए बनाई जाती है, उस लैंग्वेज के थ्रू छोटे छोटे बटन्स होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं। स्क्रीन के ऊपर ही छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जो फिजिकल डॉट्स होते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए, स्मार्टफोन को यूज़ करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होनी चाहिए। और क्या आपको पता था कि इस तरह का भी फ़ोन एग्जिस्ट करता है? क्या आपने देखा है ऐसा फ़ोन? मैंने ऐसा फ़ोन देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैंने देखा है कि एसेसिबिलिटी ऑप्शन जो होता है हमारे स्मार्टफोन में, चाहे वो आईफोन में हो एंड्रॉयड में हो, उनको यूज़ करते हैं इस तरह के लोग जिनको प्रॉब्लम होता है, और वो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन को तब यूज़ कर पाते हैं। अगर हम उन ऑप्शन को एनेबल कर देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि फ़ोन में क्या हो रहा है, लेकिन ये एसेसिबिलिटी का ऑप्शन ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन के अंदर दिया जाता है, एंड्रॉयड में भी और आईफोन में भी। अब बात करते हैं दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की। पहली टिप है आज कि क्या आप MEMC टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, जो कि MEMC बोलते हैं या MEMC whatever। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जब आप अपने फ़ोन पे कोई हाई फ्रेम रेट वाला वीडियो देखते हैं, कोई हाई फास्ट मूविंग वाला वीडियो ट्रेलर देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो उसमें स्मूथनिंग कर देता है ये टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी एक हार्डवेयर चिप के थ्रू अनेबल होती है। आपके स्मार्टफोन के अंदर ये है या नहीं, कैसे आप पता कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसका मतलब क्या, ये कैसे काम करती है, इसके बारे में मैंने आर्टिकल लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। दूसरी टिप बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे आप अपने फोन को पूरी तरह से जेस्चर से यूज कर सकते हैं, यानी कि आपने फोटो लेना है तो सीधा बना दिया और फिर सीधा कैमरा खुल गया, या फिर आपको फोन के ऊपर कुछ भी और करना है, आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, कोई ऐप लॉन्च करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप जेस्चर से, टच जेस्चर से कर पाएंगे। तो ऐसे में ये कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ बताया हमने, डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल का लिंक दिया गया है, आप जाके पढ़ लीजिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और इसी तरह से आज की टेक न्यूज़ होती है समाप्त। आपके अमेजिंग टेक कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, अदरवाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। कल मिलता हूँ मैं आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।